अगर आप लोग भी तेज आवाज में गाने सुनते हो तो आज आपको पता चलेगा कि हाई वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी हमारे कान के पर्दे की क्या हालत कर देती है। अरे घबराओ मत, ये तो खाने वाला कलर था, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाई वॉल्यूम की म्यूजिक हमारे कान के पर्दे के साथ क्या करती है। इसके लिए मुझे एक आर्टिफिशियल कान का पर्दा बनाना पड़ेगा जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। हमारे कान का पर्दा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए मैं इस कैंडल की फ्लेम का यूज करूंगा क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल हमारे कान के पर्दे की तरह। और मैं म्यूजिक बजाने के लिए इस होम थिएटर का यूज करूंगा। इस पर मैं लो फ्रिक्वेंसी से लेकर हाई फ्रिक्वेंसी तक म्यूजिक को प्ले करूंगा। तो लो फ्रिक्वेंसी हमारी कैंडल की फ्लेम हिलना स्टार्ट हो गई है और मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी फ्लेम तेजी से हिल रही है। चलो इसको स्लो मोशन में देखते हैं। तो कुछ इस तरह की हालत आपके कान के पर्दे की होती है जब आप बहुत ही हाई वॉल्यूम की म्यूजिक सुनते हो। और जब मैंने इस म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमारी कैंडल बुझ गई, मतलब हमारी कैंडल बरी हो गई।